प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आगर में कांग्रेस और कमलनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का रिवर्स गियर लग चुका है। कांग्रेस शासन काल में मुझे 15 सेकंड का समय सीएम कमलनाथ से मुलाकात के लिए नहीं मिला और अब भाजपा शासन में करोड़ों रुपए की योजनाएं सुवासरा के लिए स्वीकृत हुई। प्रदेश में भी कई तरह के सोलर प्लांट लगाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आगर, नीमच एवं शाजापुर जिले की भूमि पर संयुक्त रूप से शुरू होने जा रहे 1500 मेगावाट के सोलर प्लांट की भूमि का निरीक्षण करने मंत्री आगर आए हुए थे। इसी दौरान रेस्ट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने यह बातें कही हैं। इसके विद्युत विभाग द्वारा और उनके ना आज तक कोई मीटर है और अवैध वसूली की मतलब 5-5, 10-10 लाख 17-17 लाख तक के बिल हैं। तो सर इसमें आज क्या प्रावधान है उन लोगों के लिए? जांच करवा लेंगे अगर कोई, अपन फिर भी सरपंच सचिव को मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि उसको अगर किए मीटर नहीं है तो वो एक सरकारी रुपये का दुरुपयोग नहीं हो तो एक आवेदन एमपी में उनको देना चाहिए और उसको जांच कराना चाहिए। सर अधिकारियों का भी दबाव बना रहे जिले से के पैसे नहीं, आज एमपी भी अगर दबाव बना रही है तो आज उसको विभाग को चलाना भी उनका एक फर्ज बनता है तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है। आम आदमी, हम खुद मीटिंग में बैठे हैं, हर आदमी ये चाहता है कि मैं बिल भरूं और मेरे को उसका विद्युत व्यवस्था अच्छी मिले। अगर कई व्यक्ति 10 भरते हैं और 2 जने नहीं भर पाते और 2 जने का अड़ जाना उन 10 व्यक्तियों को भी उगलना पड़ता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सख्ती सरपंचों का कहना है कि हम मीटर के आधार पर भुगतान कर सकते हैं उन लोगों का, पर 17 लाख का 5 लाख का कैसे करें? एक एक साल भर के 2-2 साल के ऐसे बिल आ रहे हैं। जांच हो जाएगी, अगर किसी को लगता है तो मेरे को आवेदन उसकी जाँच करवा लें। धन्यवाद आप। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आगर मालवा से एहतशान खान की रिपोर्ट।